हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान शक्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। डिटेक्टर्स चैप्टर जो था न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट यूनिट में वो कंप्लीट हो चुका है। उसी यूनिट के साथ एक्सीलरेटर्स भी आते हैं और एक्सीलरेटर में हम साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे थे। कल जो बीएससी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों का कंबाइंड लेक्चर चल रहा है, तो साइक्लोट्रॉन को एक बार ब्रीफ में देखते हैं, फिर साइक्लोट्रॉन की फोकसिंग को देखते हैं कि आपको ओवरव्यू मिल जाए साइक्लोट्रॉन कैसे होते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में आपको पता है दो डीज होती है, आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो। आज अपने उसी को देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन में फोकसिंग कैसे होती है। फर्स्ट ईयर में अगर ये फोकसिंग हो तो आप कर लेना, और अगर नहीं हो तो फिर कल साइक्लोट्रॉन कंप्लीट हो गया आपके लिए। देखो साइक्लोट्रॉन की अगर मैं आपको ऊपर उसको टॉप व्यू देखे ना, तो साइक्लोट्रॉन का कुछ इस तरीके से होता है। दो मैग्नेट होती है, एक एन और एक एस। मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, एन टू एस, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस होगी, ठीक है। और जो दोनों डीज होती है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होती है। जैसे एक डी ये रही और दूसरी डी ये रही, ठीक है। इस तरीके से पड़ी होती है दोनों डीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। मैं आपको ये कल चीजें ये बता चुकी हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, एन टू एस, है ना। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इस डीज के अंदर होते हैं। पार्टिकल कैसे वेलोसिटी कैसे मूव करता है, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होते हैं, वी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इसका टॉप व्यू होता है। अगर आपको साइक्लोट्रॉन का टॉप व्यू बनाना हो ना एग्जाम के अंदर, तो भी बढ़िया आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे इस तरीके से। जितना ज्यादा हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, उतने ही अच्छे अपने को मार्क्स मिलते हैं। तो डीज के अंदर कैसे काम करता है, ये जो दोनों डीज होती है इसको फर्दर ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। जो ऑसिलेटिंग सोर्सेज होते हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज होते हैं, उनका काम यही होता है कि उनकी जो वोल्टेज होती है, जो पल्सेज होती है, वो ऐसे वेव फॉर्म्स में होती है कि हाफ साइकिल में वो प्लस डायरेक्शन पोलैरिटी देते हैं, तो नेक्स्ट हाफ में उनकी पोलैरिटी बदल देते हैं वो डीज की, ठीक है। बस इनका काम यही होता है। और मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारी जो एसी सोर्स जो हमने लगाया है, उसको एसी सोर्स बोल रही हूँ, ये ऑसिलेटिंग सोर्स या रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये सोर्सेज जो होती हैं, ये अगर मैंने आपको कल बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो वो सोर्स लगाया है, कौन सा सोर्स, एसी सोर्स, जिसको मैं ऑसिलेटिंग सोर्स या रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स लिखते हैं, उसका काम बस इतना ही है कि चार्ज पार्टिकल की एनर्जी देना, इतना ही नहीं, मतलब मेन काम यही है चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसका एक ही काम है, मतलब ये जो फील्ड लाइंस निकल रही है, दो मैग्नेट्स लगाई हुई, इनका काम क्या है, सर्कुलर पाथ देना, ठीक है। सर्कुलर या स्पाइरल बोलते हैं, क्योंकि ये स्पाइरल पाथ जैसा हो जाता है, इस तरीके से सारी मोशन होती है, तो उसको सर्कुलर या स्पाइरल पाथ बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ये होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट रहता है और मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट रहता है। मतलब क्या हुआ इस चीज का, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी स्ट्रेंथ की दो मैग्नेट्स लगा दिए हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा नहीं किया जाता। और जितनी जैसी फ्रिक्वेंसी का एसी सोर्स लगाया जाता है, कि मतलब जैसे एसी सोर्स इस तरीके से होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल, मान लो एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक आने में एसी सोर्स को 2 सेकंड लगते हैं, यानी कि 1 सेकंड में तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी में काम करता है। नेक्स्ट जो दूसरा सेकंड होता है, यानी जो दूसरा एक और सेकंड होता है, उस टाइम इसकी पोलैरिटी कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। मतलब क्या हुआ कि जो सोर्स एसी सोर्स लगाया हुआ है, उसकी पोलैरिटी 2 सेकंड में चेंज होनी है ना, 2 सेकंड में उसको एक साइकिल पूरा करना है। तो चाहे इस साइक्लोट्रॉन में एसी सोर्स को अप्लाई करते हुए कितना भी टाइम हो गया, वो हमेशा 2 सेकंड के बाद ही अपना साइकिल चेंज करेगा। ऐसा नहीं है कि कभी वो 3 सेकंड बाद करेगा, कभी 4 सेकंड बाद, या कभी 1 सेकंड में कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि मैंने आपको ये चीज क्यों बताई है, ठीक है। तो अभी अपने इसको करते हैं। तो मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ, साइक्लोट्रॉन का टॉप व्यू कुछ इस तरीके से होता है। आप एग्जाम में ये भी बनाइएगा, और जो डीज वाला आप बनाते हो वो भी बनाना है।
तो कैसे साइक्लोट्रॉन काम करते हैं पर ब्रीफ में इसकी वर्किंग देख लेते हैं, फिर उसको आगे से शुरू करेंगे, क्योंकि आज उसको शुरू करने के लिए आपको पहले उसकी वर्किंग भी पता होनी चाहिए। ये डीज है, साइक्लोट्रॉन में दो खोखली डी होती है। डीज पता है किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है जैसे किसी सिलेंडर है, ठीक है, ये जैसे सिलेंडर है, या छोड़ो, ठीक है, ये डीज क्या होलो डीज होती है, और डीज ये सारा का सारा जितना भी पूरा सर्किट है सारी डीज के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स रिटार्डेशन कुछ भी ऐसा काम ना करे, ठीक है। और डीज के सेंटर में क्या रखा जाता है, सोर्स रखा जाता है, आयन सोर्स, जिसमें से क्या करने है? चार्ज पार्टिकल्स हमें एक्सेलरेट करवाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाया था, दो मैग्नेट्स लगाई होती है और इसको क्या करते हैं आगे सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये सोर्स से कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि पहली जो कंडीशन, जैसे सोर्स से पार्टिकल निकला, तो मान लो कि हमने एक अल्फा पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाना है, तो उस टाइम मान लो ये जो D1 है ये प्लस पोलैरिटी पे या इसको माइनस पोलैरिटी पे ले लेते हैं, या प्लस पे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कैसे मर्जी पोलैरिटी पे ले लो, और ये वाली जो है डी वो माइनस पोलैरिटी पे, ठीक है। यानी कि एसी सोर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो D1 है वो एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, और जो D2 है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब D2 की पोलैरिटी माइनस है और D1 की पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी पे है। अब अल्फा पार्टिकल है यानी कि कोई प्लस चार्ज वाला पार्टिकल है, तो जैसे ही वो यहाँ से आयन सोर्स से एमिट होगा वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी ऐसी, ठीक है, और ये क्या करेगा इस डी की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा मोशन करेगा अंदर, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैट होती है यानी कि स्थिर विद्युत की होती है, उसके हिसाब से आपने एक चीज आपने 12th क्लास में आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई मेटालिक बॉडी है और वो होलो है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो होता है। इसके आपने काफी सारे एग्जांपल्स भी पढ़े थे कि कार के अंदर अगर हमने बैठते हैं कार के ऊपर अगर बिजली गिर जाए तो अंदर बैठे हुए वाले इंसान को कभी उससे करंट नहीं लगता, ऐसा कुछ आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये वही चीज कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काम करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम आपने फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ने रिसेंटली पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मोशन करता है, तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ में करता है। और अगर आपको नहीं भी ध्यान तो एक बार आप इन चीजों को वापस से देखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि कैसे वो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, ठीक है, क्योंकि पाथ की इक्वेशन ही सर्कुलर आती है। फिर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो बैटरी की पोलैरिटी क्या होगी, वो हाफ साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा और वो क्या करेगा इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देगा, नेगेटिव जो थी अब इस डी पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी और इस पे पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई इस तरीके से, तो ये क्या होगा एक्सीलरेट होगा। एक्सीलरेट क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाए इनकेस तो फिर क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी बढ़ने के बजाय वेलोसिटी घटेगी, एक्सीलरेशन के बजाय रिटार्डेशन का काम शुरू हो जाएगा, यानी डी एक्सीलरेशन का काम शुरू होगा। डी एक्सीलरेशन भी कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि वो किस तरीके से होता है। देखो अगले हाफ साइकिल में जैसे पोलैरिटी चेंज है इस पूरे इस रीजन के अंदर, इस गैप के अंदर ही वेलोसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी बढ़ी और उसने अगली बार क्या किया, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा साइकिल कवर किया और इस तरीके से वो स्पाइरल मोशन करता रहता डीज के अंदर। और जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी डी की वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है तो उसको क्या करते हैं किसी डिफ्लेक्टर या यहाँ से विंडो की हेल्प से बाहर निकाल के, जिस रिएक्शन में इन पार्टिकल्स को एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवानी है या यूज करना है, वहां पे उस टारगेट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, इनको स्ट्राइक करवा दिया जाता है, ठीक है, यानी टारगेट के ऊपर इनको पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से तो ये काम करता है। फोकसिंग कैसे होती है, और फिर आपको एक चीज और मैंने कल आपको बताई थी कि जो QVB फोर्स होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो MV² / R के इक्वल आता है। एक वी से एक वी कैंसिल, QB = MV / R। यहाँ से एक वैल्यू वी की आती है, एक वैल्यू आर की आती है। वी की वैल्यू क्या आएगी QB R / M, और R की वैल्यू क्या आएगी MV / QB, यही आएगी ना।
तो ये वैल्यूज आती हैं, और यहाँ से फिर मैंने एक फ्रीक्वेंसी का भी एक फॉर्मूला निकाला था कि टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी बाय टू इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा, एंड वी हमें पता है ओमेगा इनटू आर के इक्वल आता है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी वी बाय आर के इक्वल, तो यहाँ से क्या आएगा पाई आर अपॉन वी हो जाएगा, यानी वी अपॉन आर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल t की वैल्यू क्या आई हमारे पास, या कैपिटल t by 2 is equals to pi r upon qb r upon m, तो r to r कैंसिल, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई pi m upon qb, किसकी वैल्यू स्मॉल t है कैपिटल t by 2 की, और अगर मेरे को कैपिटल t की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आएगी 2 pi m upon qb, यानी टोटल टाइम पीरियड, और ये कितना होता है हाफ टाइम पीरियड, है ना। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन होते हैं कि वो क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो f इज इक्वल्स टू 1 बाय t, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी qb अपॉन 2 पाई m, है ना। यहाँ से एक चीज पता चल रहा है, मैंने क्या बताया आपको अभी कि साइक्लोट्रॉन में ना तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे अभी रिमूव हो गया वो चीज, यानी कि एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया वो भी कांस्टेंट रहता है, और दूसरा जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बोल सकती हूँ कि मतलब जितने टाइम सेकंड के बाद, जितने टाइम के बाद उसकी पोलैरिटी चेंज करनी है उसने डीज की, उतने टाइम के बाद करेगी, वो भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर इस जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि एफ के अंदर क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल्स तो हमेशा कॉन्स्टेंट है, बी भी कॉन्स्टेंट रख रहे क्योंकि हम फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा घटा नहीं रहे, जितनी स्ट्रेंथ वाली चुंबक एक बार हमने लगा दी, मैग्नेट्स लगा दी, उसी स्ट्रेंथ की मैग्नेट्स रखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को बार बार कम या ज्यादा नहीं करेंगे, टू और पाई तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट है। मतलब एफ सीधा सीधा देखा जाए तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वो भी कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके मास के, चार्ज पार्टिकल के मास पे, देखो यहां से। और उसके बाद अपने को पता है एनर्जी कितनी आएगी इस केस में, यही पे वो फॉर्मूला में एनर्जी का, चलो यहाँ पे करते हैं, और अगर वो मैक्सिमम अपने को पता वेलोसिटी वी मैक्स कितनी होगी, एक मिनट, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी मैक्सिमम डीज की क्या होगी रेडियस होगी, मतलब जब वो मैक्सिमम रेडियस कवर कर लेते हैं उसके बाद उसको क्या करते हैं डीज से बाहर निकाल देते हैं, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी qb अपॉन m आती है, qb r अपॉन m। ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि फॉक्सिंग और जो साइक्लोट्रॉन के फेलियर्स थे वो इसी चीज पे डिपेंड करते हैं। अब कल वाला लेक्चर जिन बच्चों ने ना देखा हो वो एक बार रिवीजन के तौर पे आप वापस से मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से मैं चीजें आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ से vmax की वैल्यू आ गई qb r अपॉन स्मॉल m, मुझे एनर्जी पता है मैक्सिमम एनर्जी कितनी आएगी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के इक्वल, यानी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी 1 बाय 2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर टू एक एम कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एम। और अगर मैं इसी ई मैक्स को फ्रिक्वेंसी की टर्म में लिखूं तो मुझे पता उसकी वैल्यू क्या आएगी, फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी हमारे पास qb अपॉन 2 पाई m, है ना। मेरे पास एक qb भी पड़ा अपॉन m भी पड़ा, मेरे पास कमी किस चीज की है 2 पाई की कमी है, अगर मैं इस 2 पाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं या मैं 2 पाई की जगह 4 पाई का मल्टीप्लाई कर दूं, चलो 2 पाई का करते हैं, 2 पाई से ऊपर नीचे क्या किया मल्टीप्लाई, और एक m की भी कमी है, अगर m होता क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी आई है qb अपॉन 2 पाई m, है ना, q स्क्वायर और b स्क्वायर पड़ा है 2 और पाई स्क्वायर का कर देती हूँ 2 पाई स्क्वायर का, और एक m का भी कर देती हूँ ऊपर नीचे, किस चीज का मल्टीप्लाई किया मैंने 2 पाई स्क्वायर इंटू m, ठीक है, इसी इक्वेशन में, किसकी टर्म में लाने के लिए फ्रीक्वेंसी की टर्म में, तो मुझे पता है मेरे पास क्या बचेगा q स्क्वायर b स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर इंटू m अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4 पाई स्क्वायर m इंटू m यानी m स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली कि एनर्जी क्या बन गई है, यहां से 2 पाई स्क्वायर qb अपॉन 2 पाई m का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बना qb अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू m, यानी कि e की वैल्यू क्या आई 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर इंटू एम, और एक आर स्क्वायर सॉरी यहाँ पे रह गया, यहाँ पे लिखना मेरे से आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यानी कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है 2 पाई स्क्वायर एम
एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि ये जो एफ होती है ना, ये जो एफ हमने बार बार निकाल रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन होती है। रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी मतलब आप इस तरीके से देख सकते हो कि आयन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आयन के चक्कर लगाने की आवृत्ति कितनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि कितने टाइम में वो एक चक्कर को कंप्लीट करता है। एक चक्कर इसीलिए किसी तरीके से कंप्लीट होगा ना, वो यहाँ से बाहर गया, अंदर गया और बाहर निकल के उसी जगह पे पहुंच गया। चक्कर इसी तरीके से कंप्लीट होते हैं ना, तो ये जो एफ होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन होती है। ये ध्यान रखना आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रही थी? इधर मैंने आपको क्या बताया था, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, आयन की आवृत्ति। आयन की आवृत्ति मतलब आयन कितने टाइम में एक चक्कर को कंप्लीट कर रहे है ना, मास पे निर्भर कर रही है। और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी भी सीधा सीधा एफ पे डिपेंड कर रही है और मास पे डिपेंड करती है। साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्यों एक्सेलरेट नहीं करवा पाते, इसका रीजन यहीं से निकलता है, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन भी किस पे डिपेंड करता है? मास पे। और अगर ये दोनों चीजें मास पे करते हैं तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की कंपैरिजन में हमेशा कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण ही वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मतलब आयन के चक्कर लगाने की आवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि क्या है, मास देखो, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम आर। मास कम यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ज्यादा, मतलब क्या होता है, वो बहुत जल्दी डीज के अंदर एक्सीलरेट हो जाता है, और इतनी जल्दी डीज के अंदर एक्सीलरेट होता है कि वो दीवारों के साथ इलेक्ट्रॉन टकराने लग जाए। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल डीज की वॉल्स के साथ टकराएगा तो जितनी एनर्जी उसने गेन की थी वो सब वेस्ट हो जाता है। ऐसे जो एक्सीलरेशन का काम होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। मास कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, एक्सीलरेट नहीं करवाया जाता साइक्लोट्रॉन के अंदर। और अगर साइक्लोट्रॉन के अंदर एक और चीज देखें तो क्या साइक्लोट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करवा सकता है? कभी भी नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि साइक्लोट्रॉन में अगर न्यूट्रल पार्टिकल होगा तो वो ना तो डी की पॉजिटिव पोलैरिटी से के कारण अट्रैक्ट होगा, ना ही डी के अंदर नेगेटिव पोलैरिटी के कारण अट्रैक्ट होगा। अगर मैं न्यूट्रल एटम, जैसे कि न्यूट्रल पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन ले लूं, तो न्यूट्रॉन को कोई भी डी अट्रैक्शन फोर्स काम ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो किसी भी डी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, साइक्लोट्रॉन उसको एक्सेलरेट नहीं करवा पाएगा। और साथ में क्या है कि वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेलरेट करवाने के लिए इसका यूज नहीं करते। इसी के कारण हमारे पास फर्दर डिवाइसेस आएगी, हम अपने करते हैं फॉक्सिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो फॉक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो दो डीज है, ठीक है, डीज के अंदर मुझे पता है चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन तो इसी गैप के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो फॉक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका रीजन ये होता है कि अगर चार्ज पार्टिकल, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डी के अंदर यहाँ पे पड़ा था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने इसके अंदर एंटर किया, इसका मतलब क्या, इस डी की पोलैरिटी नेगेटिव थी और इसकी पोलैरिटी क्या, पॉजिटिव। अब अगर चार्ज पार्टिकल जैसे यहाँ से बाहर आने वाला हुआ, उसी टाइम एसी वोल्टेज ने क्या किया, अपना हाफ सर्कल कंप्लीट किया। हाफ सर्कल कंप्लीट करना मतलब ये जो डी वन थी वो जब पॉजिटिव पोलैरिटी पे थी, अब वही डी क्या हो, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाए, सॉरी नेगेटिव पे थी, अब वो डीज क्या होती है, पॉजिटिव भी हो जाए और ये नेगेटिव भी हो जाए। मतलब जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकले, पोलैरिटी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी हो, मतलब सामने वाले डीज से उसको अट्रैक्शन फोर्स काम करे। अगर सामने वाले डीज की तरफ वो अट्रैक्ट होकर जाए तब तो क्या है, हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल हमेशा एक्सीलरेट ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि चार्ज पार्टिकल क्या करे, इसके अंदर, इस स्पेस के अंदर, देखो ये जो होता है ना, इसका मिडल प्लेन होता है, ठीक है, जैसे कि अब ये जो बिल्कुल सेंटर होता है ना, उसको मिडल प्लेन बोलते हैं। मिडल प्लेन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम तो है एक्सीलरेशन देना, अगर सेम टाइम पे पहुंचेगा तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस की कंडीशन, इसको बोलते हैं तुल्यकालिक कंडीशन। मतलब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्ट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ किसके आ जाए, आयन के, मतलब आयन की फ्रीक्वेंसी मतलब रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका आधा चक्कर जब कंप्लीट हो आयन का इस डी के अंदर, उसी टाइम पे एसी वोल्ट का आधा चक्कर कंप्लीट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन। मतलब
सेम कंडीशन में काम करते हैं। अगर ये कंडीशन चलती रहे उस केस में पता है क्या होता है, डी जो साइक्लोटोन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बोलूं मैं, रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी बोलूं या फ्रीक्वेंसी ऑफ आयन बोलूं, तीनों की बात एक ही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, चार्ज पार्टिकल मिडल प्लेन पे मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन काम करते हैं, मिडल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली काम करता है और सबसे ज्यादा इसी मिडल प्लेन पे सब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि चार्ज पार्टिकल के इस मिडल प्लेन को क्रॉस कर जाए और एसी सोर्स अभी तक अपनी पोलैरिटी ना चेंज कर पाए, तो उस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड काम में लेते हैं कि उसकी फोक्सिंग करवाई जाती है। फोक्सिंग से क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा मिडल प्लेन में आता है, वो कैसे होता है अपने वो देखते हैं। फोक्सिंग की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि हम सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन में हमेशा बने रहे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ आयन की रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी की हमेशा इक्वल आए, मतलब आयन के चक्कर लगाने की आवृत्ति और एसी सोर्स की आवृत्ति को बराबर बनाए रखने के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से, इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, और वो भी किस तरीके से लगाए, उनकी स्पेसिफिक शेप बना दी जाती है ताकि वो स्पेसिफिक शेप के कारण ही क्या होता है फोक्सिंग होती है। वो कैसे फोक्सिंग होती है मैं आपको बताती हूँ। इसी शेप की मैग्नेट्स लगाई जाती है इसके अंदर। अगर इस शेप की मैग्नेट्स होंगी तो क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मान लिया N है, ये S मैग्नेट है, इसकी शेप एकदम प्रॉपर नहीं बनी लेकिन इसी से टाइप की शेप की होती है। अब देखो इनकी शेप, आप अगर ऐसे देखा जाए तो इनकी शेप इस तरीके से होती है, ठीक है। अब ऐसे होने से क्या होगा, जो फील्ड लाइंस थी वो कर्व्ड फील्ड लाइंस आने लग जाती है, ठीक है। डायरेक्शन तो क्या एम टू एस ही रहती है, अगर वो कर्व्ड फील्ड लाइंस आएंगी तो वो क्या करेंगी, ये मिडल प्लेन, क्योंकि मैंने जब देखो आपको जो मैंने साइक्लोट्रॉन दिखाया है कि वो किस तरीके से उसका टॉप भी होता है, वो इसी तरीके से ये डीज पड़ी है ना, ये डीज पड़ी है, ये इसका मिडल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे क्या मैक्सिमम आपको क्या काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम एक्सीलरेट होगा, मैंने क्या बताया अगर वो डीज के मिडल प्लेन से बाहर निकल जाए और तब एसी की पोलैरिटी चेंज हो, उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बढ़ती है, लेकिन उसके अंदर क्या है रिटार्डेशन भी होने शुरू हो जाता है। जैसे कि रिटार्डेशन क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो देखो अगर चार्ज पार्टिकल इस मिडल प्लेन पे है तब तो काम ठीक चल रहा है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इस मिडल प्लेन से ऊपर या नीचे चला जाए, मतलब या तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए या चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाए, तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या काम करती है, इसको क्या करते हैं मिडल प्लेन पे लाने का काम करते हैं। और जैसे ये मिडल प्लेन पे रहेगा पोलैरिटी क्या हुई चेंज हुई, एसी की पोलैरिटी चेंज हुई, अगर वो ना पे आया एसी की पोलैरिटी चेंज हो गई, इस डी को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया, तो ये क्या होगा एक्सीलरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहने के लिए इस तरीके से बनाई जाती है। देखो इसको एक और तरीके से समझते हैं किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन में आना चाहिए। थ्योरी में ही लिखना आपको कि अगर दोनों सेम टाइम पे आ रहे हैं मतलब हमारा काम सही चल रहा है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन फॉल्स होती जा रही है कि मतलब चार्ज पार्टिकल उस मिडल प्लेन से दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम क्या उसको मिडल प्लेन पे लाने का काम करती है। जैसे तो ये एक तो सर्कुलर पाथ देती है, उसके साथ साथ उसको क्या करते हैं फोकसिंग करवाते हैं कि मिडल प्लेन पे उसको हमेशा फोकस रखेंगे ताकि एसी वोल्टेज अपनी जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज करे तो हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो ताकि हमें रिटार्डेशन ना मिले। इसको आप इस ग्राफ से और अच्छे से समझ सकते हो। देखो कैसे मैंने मान लिया कि मैं जो ये चीज दिखाऊंगी ना ये एसी सोर्स को दिखाऊंगी और जो डॉटेड डॉटेड लाइंस होगी वो आयन को दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखो ये जैसे क्या है ये एसी सोर्स दिखा रही है, ठीक है, ये एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को दिखा रही हूं। अब वेव ऊपर नीचे इसकी हाइट कम या ज्यादा हो सकती है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेव से, ठीक है। अब ये क्या मैं डीज को दिखा रही हूं, अब मैं आयन की मतलब आयन की दिखा रही हूं कि आयन किस तरीके से डीज से बाहर निकलता है और किस तरीके से वो डीज के अंदर एंटर करता है। अब मान लिया ये जो आयन है
ये जो चार्ज पार्टिकल आयन, ये ऊपर वाली जो चीज है वो डी वन को दिखा रही है, ये डी टू को दिखा रही है। अगर ये डी वन को है मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डी डी वन में जा रहा है, मतलब डी के इस टाइम नेगेटिव पोटेंशियल पे, और ये पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ बैटरी से जुड़ी हुई है, यानी कि ये इस तरीके से इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए डी के अंदर ये एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल डी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो ही, वैसे ही चार्ज पार्टिकल की वैल्यू जीरो ही। जैसे इसकी पोलैरिटी चेंज हुई एसी वोल्टेज की, वैसे ही क्या, इसने पोलैरिटी चेंज की, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है तो मतलब D1 से D2 में जा रहा है, और अगर चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है मतलब D2 से D1 में जा रहा है। अब देखो चार्ज पार्टिकल ने क्या किया, एसी वोल्टेज ने पोलैरिटी चेंज की, यहाँ पे क्या इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव थी और यहाँ पे आती है इसकी पोलैरिटी नेगेटिव हो, मतलब जब डी डी वन पॉजिटिव थी तब डी डी टू क्या हुई, इसकी पोलैरिटी बदली। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से आप मत समझो, आप इस चीज से समझो, हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, जब चार्ज पार्टिकल एंटर किया था तब ये नेगेटिव था, ठीक है, और जैसे इसने आधा साइकिल चेंज कंप्लीट किया मतलब पोलैरिटी बदल गई, इसको माइनस इसको प्लस, सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन और फॉक्सिंग की कंडीशन बता रही हूँ यहाँ पे। तो देखो इसने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे जीरो ही, फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होनी शुरू हुई। जैसे ही नेगेटिव होनी शुरू हो जाए उसी टाइम पे ये चार्ज पार्टिकल इस मिडल प्लेन पे होना चाहिए, और इसी मिडल प्लेन पे लाने का काम कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ऐसी कंडीशन चलती रहे, जैसे इसकी वैल्यू जीरो, ये पोलैरिटी चेंज, ये इसने भी अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल अपनी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन होती है डीएस के अंदर। जैसे ही इसकी जैसे ही ये बाहर निकला, इसका मतलब क्या, डी वन से बाहर निकला डी टू में एंटर करने लगा, उसी टाइम एसी वोल्टेज भी क्या हुई, चेंज हो गई। जैसे यहाँ से डी टू से बाहर निकला डी वन में एंटर करने लगा उसी टाइम पोलैरिटी चेंज हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन होती है। और ये मतलब यहाँ पे जीरो का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी ये जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल है वो मिडल प्लेन पे आ गया, और इसी मिडल प्लेन पे लाने का काम कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है। अब देखो मुझे पता है रिलेटिविटी आपको सापेक्षिकता का सिद्धांत पता है, फोकसिंग तो वहां पे आपको थ्योरी में लिखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और फिर मैं आपको अब बता रही हूँ कि साइक्लोट्रॉन फेल कैसे हो, मैं सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन यहाँ पे बताई है कि अगर सेम चलता रहे तो ठीक है, और अगर पार्टिकल क्या है, जब एसी की फ्रिक्वेंसी चेंज हुई लेकिन पार्टिकल मिडिल प्लेन में नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे तो हमेशा मिडिल प्लेन में आ रहा है लेकिन वो मिडिल प्लेन में किस केस में नहीं आता, मैं आपको वो चीज अब बताऊंगी। आपको रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मास क्या आ जाता है उस टाइम, यानी वेलोसिटी टेंड्स टू सी हो जाए, जब किसी चार्ज पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल के किसी भी ऑब्जेक्ट का वेग जब सी के बराबर होना लग जाए, यानी कि लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करने लग जाए, उससे बराबर या उससे ज्यादा होना शुरू हो जाए, उस केस को हम बोलते हैं सापेक्षिकता, यानी रिलेटिविटी बोलते हैं, है ना। इस केस में आपको मास का फॉर्मूला पता है, वो कितना होता है, एम जीरो रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। ये क्या होता है, रेस्ट मास होता है M0, है ना। और अपने को पता है मैं फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला निकाल चुकी हूँ, वो क्या है, QB अपॉन 2πm। फॉक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ी और साइक्लोट्रॉन क्यों फेल हुआ वो आपको इस रीजन से पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी वेलोसिटी टेंड्स टू सी होने लग जाती है, जब हमारा वेग सी या सी से ज्यादा हो, सी से ज्यादा, उस केस में मुझे पता है सापेक्षिकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि जब हम सी को अप्रोच करना लग जाते हैं तब हमारी मास वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ मास भी बढ़ने लग जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में किया है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने रिलेटिविटी को बहुत अच्छे से पढ़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बुक के अंदर आपने पढ़ा, जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी सी को अप्रोच करना शुरू कर देती है वैसे वैसे हमारा मास क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ा। अब वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ा, साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, वेलोसिटी को बढ़ाना, एक्सीलरेट करवाना, मतलब वेलोसिटी को वो लगातार बढ़ा रहा। तो साइक्लोट्रॉन किस पर डिपेंड कर रहा था, ये एफ क्या बताया था मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब आयन की आवृत्ति की, आयन कितने सेकंड के बाद या कितने टाइम के बाद एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो यहाँ से एफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था, एम का। अब वेलोसिटी तो हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब मास भी लगातार
लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी जब हम सी की तरफ जाते हैं, जब हमारी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होने लग जाए, उस टाइम मास भी बढ़ना शुरू हो जाता है। मास बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, यानी रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी घटना, यानी कि आयन की आवृत्ति घटना। आवृत्ति घटना मतलब क्या हुआ, मतलब ये डी और एक ये डी, आवृत्ति घटी यानी कि क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम, फ्रीक्वेंसी और टाइम में एक रिलेशन होता है 1/T का। अगर आयन की रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी कम हुई तो मुझे पता है टाइम हो वो कितना लेगा, ज्यादा लेगा। जैसे कि जब हमारी वेलोसिटी साइक्लोट्रॉन में सी की वेलोसिटी के इक्वल होने लग जाती है, जब मतलब हमारी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करना शुरू करती है, उस केस में क्या होता है, मास बढ़ना शुरू हो जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया, आइंस्टीन मास वेलोसिटी रिलेशनशिप से हमें पता चला। और अगर मास बढ़ा तो मतलब फ्रीक्वेंसी घटी, फ्रीक्वेंसी घटी मतलब टाइम ज्यादा लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर उसको आयन को इस डी के अंदर एक चक्कर पूरा करने में मान लो 2 सेकंड लगते थे, तब उसको कितने लग जाएंगे एक चक्कर पूरा करने में 3 सेकंड। अगर ये एक चक्कर पूरा करने में 3 सेकंड लेगा, और हमने क्या लिखा है कि एसी सोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाई है, मैग्नेटिक फील्ड लगाए दोनों सेम रहते हैं, अगर दोनों सेम रहते हैं एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी, मैं उसको चेंज ही नहीं कर रही हूँ, अगर उसको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि एसी सोर्स तो इन दोनों को सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन क्या आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आयन के इक्वल आ जाए, है ना। अगर ऐसा काम चलता रहेगा तो हमारा पार्टिकल हमेशा एक्सिलरेट ही होगा, है ना, यानी त्वरित ही होगा, उसको भी हर बार बढ़ेगा। और मिडिल प्लेन में अगर होगा तो एक्सिलरेशन ज्यादा मिलेगा, इसी के लिए मैग्नेट की जो शेप थी उसको चेंज किया गया, ताकि मैग्नेट की शेप चेंज करेंगे तो हर बार क्या होगा, जैसे वो मिडिल प्लेन से ऊपर या नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अपना रेडियल प्लस वर्टिकल दोनों फोर्स काम करने शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका वर्टिकल और ये रेडियल, ये वाला भी वर्टिकल, तो ये दोनों फोर्स का मिला जुला इफेक्ट होगा किसको, मिडल प्लेन के सेंटर में लिया। जैसे कि क्या, जैसे यहाँ पे अगर वो यहाँ पे पड़ा, ठीक है, तो इसको मैं जब कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगी इस तरीके से और इस तरीके से आएंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाने का काम करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के रेडियल और वर्टिकल का काम किया उसको मिडल प्लेन में बनाए रखना, ताकि सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन कभी डिस्टर्ब ना हो, है ना। अब यहाँ पे जब वेलोसिटी सी की वेलोसिटी के बराबर आने लगी, इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि फ्रीक्वेंसी घट जाती है, मतलब जैसे ही इसकी पोलैरिटी ये सोर्स के जैसे ही इसके अंदर एंटर किया, ठीक है, अब बाहर निकलने में इसको टाइम कम लेगा, क्योंकि हमारी वेलोसिटी किसके टेंस टू जा रही है, सी के। अगर वेलोसिटी सी के इक्वल जा रही है फ्रीक्वेंसी घटेगी, मतलब टाइम ज्यादा लेगा। एसी वोल्ट तो जैसे क्या काम की था उसका, जैसे कि अब 2 सेकंड इसको डीसी के अंदर रख गए, ठीक है, बाहर निकलते निकलते, लेकिन एसी सोर्स का काम तो ये कि वो 2 सेकंड के अंदर अपना एक पूरा साइकिल ही कंप्लीट कर ले। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 सेकंड लग गए यहाँ तक, यानी कि पहले जब डी पॉजिटिव थी फिर ये नेगेटिव हुई, या पॉजिटिव पार्टिकल का देख रहे हैं तो इसको मैं डी इसको चेंज कर देती हूँ माइनस और प्लस, फिर अगले सेकंड में वो प्लस माइनस हो जाए, लेकिन अब चार्ज पार्टिकल डी के अंदर टाइम में ज्यादा लगने लग गया, लेने लग गया, क्योंकि हमारी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण मास बढ़ गया। मास बढ़ना मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना, फ्रीक्वेंसी कम तो मतलब अंदर वो ज्यादा टाइम लेने लग गया, जैसे ही वो बाहर निकलता है तब तक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स वापस से चेंज हो चुकी होती है, जिसके कारण क्या होता है, या मान लो कि 2 सेकंड के अंदर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, ठीक है, और 2 ही सेकंड के अंदर एसी फ्रीक्वेंसी ऑफ आयन भी बदलती थी, लेकिन अब मास क्या है, सी के अप्रोच पहुंच गया, सी के बराबर पहुंच गया। अब इस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, अब 2 सेकंड का काम 1 सेकंड कंप्लीट हुआ इस डी के अंदर, एसी सोर्स ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया, वो 1 सेकंड के बाद अपने आप को हाफ साइकिल रिपीट करना शुरू करता है, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में वो इतना काम करता है और अगले 1 सेकंड में उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, तो एसी सोर्स ने तो पोलैरिटी चेंज कर दी, लेकिन अब पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कम होना मतलब टाइम ज्यादा लेना, टाइम ज्यादा लेना मतलब पार्टिकल ही अंदर अब 3 सेकंड का टाइम ले चुका है। अगर वो 3 सेकंड का टाइम ले चुका है तो अगले 1 सेकंड में तो उसकी पोलैरिटी फिर से चेंज होने वाली है, मतलब ये फिर से पॉजिटिव और ये नेगेटिव का काम करेगा। तो चार्ज पार्टिकल इस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल तो इधर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, इस तरीके से होगी, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब क्या रहने लगी, सेम नहीं रहती। तो ये एक ऐसी कंडीशन आती है जब क्या होता है, रिटार्डेशन या मंदन का काम शुरू होने लग जाता है, मतलब
एक जगह पे तो जो हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाना था, लेकिन अब वेलोसिटी क्या होनी शुरू होगी, घटनी शुरू होगी, इसी के कारण साइक्लोट्रॉन फेल होते हैं, ठीक है। और अगर फेलियर ऑफ साइक्लोट्रॉन या अदक्षता आए साइक्लोट्रॉन की, तो वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ से साइक्लोट्रॉन कंप्लीट हुआ। आज अपने क्या किया, मैं आपको वो चीजें बताती हूँ कि हमने सबसे पहले ये चीजें तो आपकी कल वाली थी, लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट्स छूट गए थे कल, इसीलिए मैंने आपको वापस से बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आयन रह गया था यहाँ से, और ये रिलेशन बनाना रह गया था, इसीलिए मैंने ये चीजें बताई। और यहाँ पे मैंने बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण साइक्लोट्रॉन में इनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्सीलरेट होकर दीवारों से टकराना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया फोक्सिंग किस तरीके से होती है। अगर मिडिल प्लेन पे है तब तो एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा मिलेगा चार्ज पार्टिकल को, अगर लेकिन अगर मिडिल प्लेन से हटते हैं तो उस केस में हमें सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है। उसको बनाए रखने के लिए मैग्नेट्स के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, उनको इस तरीके से शेप को बदलते हैं कि जो लाइन्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आए। जैसे पार्टिकल मिडिल प्लेन पे है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल मिडिल प्लेन पे हटे तो रेडियल प्लस वर्टिकल दोनों काम करना शुरू करते हैं, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मिडिल प्लेन पे लाने का काम करते हैं। और जब मिडिल प्लेन पे आए तो सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होती, और अगर चार्ज पार्टिकल मिडिल प्लेन से दूर हो और वो एक्सीलरेट हो जाए तो वो क्या करता है, डीज की वॉल से जाके टकराता है, और जैसे डीज की वॉल से टकराता है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता, खत्म होना शुरू हो जाता है। और ऐसे चार्ज पार्टिकल्स की मतलब ऐसे चार्ज पार्टिकल्स को फिर फर्दर एक्सीलरेशन नहीं दिया जाता, मतलब ये एक ऐसा अनवांटेड कंडीशन आ जाती है, इसीलिए इसको मैग्नेट्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा मिडिल प्लेन पे रखे, मैक्सिमम एक्सीलरेट करे। तो यहाँ तक तो चार्ज पार्टिकल की वर्किंग होती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया इनएफिशिएंसी कैसे होती है, कि जब हमारी हमारा काम किया वेलोसिटी को बढ़ाना, लेकिन जब हमारी वेलोसिटी वही सी की वेलोसिटी के इक्वल या सी से ज्यादा आ जाए तो उस केस में हमारा मास बढ़ने लग जाता है, और जैसे ही मास बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी घटती है। फ्रिक्वेंसी घटना मतलब टाइम बढ़ना, और अगर टाइम बढ़ा तो मतलब डीज के अंदर उसको ज्यादा टाइम मिलेगा, और इतने टाइम के बाद जब वो बाहर आएगा तो डीज की पोलैरिटी उसी तरीके से होगी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहती है, जिसके कारण रिटार्डेशन होता है। यही इसकी कमी है, इसी के कारण क्या है हमारे पास दूसरी डिवाइस आएगी कि ये जब रिलेटिविटी के बाद जब हमारी वेलोसिटी सी के बराबर होने लग जाती है उस टाइम साइक्लोट्रॉन फेल होता हुआ दिखाई देता है। इसी को ओवरकम करने के लिए कल हमारा नेक्स्ट एक्सीलरेटर आएगा। तो आज के लिए साइक्लोट्रॉन फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों का कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फॉक्सिंग में आपको वही थ्योरी लिखनी है जो मैंने आपको बताई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।